हेलो फ्रेंड, मैं हूँ राजकुमार। आज हम आपको दिखाएंगे HP 319 प्रिंटर में, ये इंकटेक प्रिंटर है। अभी हम जब प्रिंट करेंगे तो ये देखिए, एक पेज कॉपी किया तो ये क्या कर रहे है, पेपर एक के बाद एक अंदर जा रहा है और वो भी ब्लैंक पेज बाहर आ रहा है। और साथ ही साथ पेज क्या हो रहा है, ये देखिए, एक बार अंदर जा रहा है, एक बार बाहर आ रहा है, एक बार अंदर जा रहा है, एक बार बाहर आ रहा है, ऐसा ऐसा करके ये प्रिंट आउट हो रहा है, वो भी ब्लैंक। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रही है तो चिंता मत कीजिए कि आप लोग सिंगल पेज प्रिंट आउट करने की कोशिश करते हैं और प्रिंटर मल्टीपल पेज प्रिंट आउट करते हैं, वो भी ब्लैंक। तो अगर इस तरह प्रॉब्लम फेस कर रही है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए बिना स्क्रिप्ट किए। तो देखिए, ये दो नंबर पेज हो गया था, तीन नंबर पेज में बीच में जाके ये स्टॉप हो गया और पेपर एरर जो है वो LED ग्लो होना शुरू कर दिया। तो मैंने इस पेपर बटन को एक बार प्रेस कर दिया तो देखिए, पेपर रिलीज़ हो चुका है और फिर से पेपर जो है, ये देखिए डिस्प्ले में वन शो हो रहा है और पावर LED भी ग्लो हो रहा है। साथ ही साथ पेपर फिर से अंदर जा रहा है, ये देखिए फिर से प्रिंटिंग हो रहा है, बैकवर्ड जा रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है, बैकवर्ड हो रहा है, ऐसा करके कंटिन्यू ऐसा करके प्रिंट आउट हो रहा है, वो भी ब्लैंक। एक्चुअली जो प्रिंट आउट हम कर रहे हैं वो प्रिंट आउट नहीं हो रहा है, सिर्फ पेपर अंदर खींच रहा है और रोलिंग हो रहा है, अंदर बाहर ऐसा करके। और दो पेज कंप्लीट हो रहा है, तीन नंबर पेज में ऐसा इशू ये कंटिन्यू हो रहा है। तो देखिए, तीन नंबर मतलब इसमें छः नंबर पेज में प्रॉब्लम आ चुका है। तो अगर इस तरह प्रॉब्लम फेस कर रही है तो इस वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। ये देखिए पीछे, ये आपको YouTube में कभी कहीं नहीं मिलेगा। देखिए, ये प्रिंटर का पीछे एक पेज सेंसर है, ये देखिए, ये पार्ट को खोल देते हैं और अभी इस सर्किट को, ये जो एक्चुअली इधर एक सेंसर है जो सेंस करते हैं पेपर कितना अंदर जाना है, कितना पेज प्रिंट आउट करना है, वो पेज इधर से काउंट होता है। तो देखिए, ये जो सेंसर है, हम थोड़ा लाइट देके दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए कितना गंदा हो चुका है, पूरा इंक जो है ये इंक इधर पूरा आ चुका है। एक्चुअली क्या होता है कि HP का प्रिंटर में, इंक टैंक प्रिंटर में एक्स्ट्रा एग्जस्टर नहीं है और थोड़े दिन के बाद जितना एग्जस्टर उधर देते हैं वो फुल हो जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि ये प्रिंटर एक जगह से दूसरे जगह जब कैरी करते हैं तो मैक्सिमम इंसान क्या करते हैं, बिना लॉक किए इसको ट्रैवल करते हैं, कभी कभी प्रिंटर को पूरा उल्टा कर देते हैं, इसलिए इंक जो है पूरा प्रिंटर में फैल जाता है और इस तरह का इशू हो सकता है। तो आप लोगों को ये बोलना चाहेंगे कि प्रिंटर कभी ट्रैवल करने के नौबत आए तो उल्टा मत कीजिए, सीधे रख के लेके चलिए। और इधर देखिए, ये जो सर्किट है, हम इधर एक सॉफ्ट कॉटन के कपड़े से इसको सफाई कर रही है। तो दोस्तों, आप लोग अगर इस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रही है तो इसको ठीक से क्लीन कर दीजिए। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, अगर नहीं हो रहा है तो ये सर्किट चेंज करना होता है। तो ज़्यादा नहीं है, तीनों वायर से ये कनेक्टेड रहते हैं और इसको आप लोग इजीली चेंज कर पाएंगे। तो हम पहले इसको क्लीन कर देते हैं अच्छे तरह। तो देखिए, बहुत सारा इंक इधर आ गया था, तो ऐसे हम देखिए, एक स्प्रिंग भी है तो बहुत केयरफुली इधर करना होगा, नहीं तो
डैमेज हो सकते हैं, दूसरे प्रॉब्लम हो सकते हैं, सो बी केयरफुल। और जनरली क्या होता है कि ये सर्किट ख़राब नहीं होता है, वी प्रिंटर में इस तरह का इशू आते हैं जो प्रिंटर ज़्यादा कैरी करते हैं, कभी कभी पूरा उल्टा करके कैरी करते हैं और बहुत सारा इंक निकलने के कारण इस पार्ट में इंक आ जाते हैं, तो तब जाके इसको क्लीन करते हैं। मैक्सिमम इंजीनियर या सर्विस सेंटर ये चीज़ को बताता नहीं है और आप लोगों को यूट्यूब पे भी कहीं नहीं मिलेगा इस यूनिक टेक्निक। आप कहीं भी लेके जाएंगे तो बोलेगा कि ये प्रिंटर ख़राब हो चुका है, आपको नया लेना पड़ेगा। लेकिन हम दबा कर रहे हैं 100% आपको सेट कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए और जो मैंने किया वो अगर करते हैं तो देखिए, मैंने फिर से ऑन कर दिया और अभी देखिए डिस्प्ले में जीरो हो रहा है और पावर LED भी स्टेबल है। तो हम इसको रिपोर्ट कॉपी निकाल के दिखाते हैं कि टोटल पेज कितना प्रिंट आउट हो चुका है अब तक, और जो प्रॉब्लम था कि पेपर अंदर जा रहा है फिर बैक में चले जा रहे, अंदर बाहर हो के तीन नंबर पेज पे, ये कभी कभी दो नंबर पेज में ही एरर शो हो रहा था। ये देखिए प्रिंट आउट हो चुका है, तो हम थोड़ा ये देखिए जूम आउट करके दिखाते, टोटल प्रिंटिंग है 16,040, बहुत सारा प्रिंट हो चुका है इस प्रिंटर में। अभी देखिए सिंपली कॉपी कर रहा हूँ, देखिए अभी पेपर जो अंदर जा रहा है नॉर्मल प्रोसेस से जा रहा है। पिछले टाइम में क्या हो रहा था, अंदर बाहर ऐसा लग रहा था कि इधर कोई मेंटेनेंस चल रहा है या पेपर उल्टा जा रहा है प्रिंटर में। देखिए जीरो हो चुका है, एक पेज बाहर निकल चुका है, मतलब इशू जो था वो सॉल्व हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस तरह आप अपना प्रिंटर सही कर पाएंगे। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज इतना ही, जय हिंद, नमस्कार।